हेलो दोस्तों, मेरा नाम जीव ईश्वर। आज हम करने वाले हैं क्लास फिफ्थ इंग्लिश के यूनिट फोर चैप्टर वन के क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन, अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड यू क्राई अ लिटल और शुड यू क्राई अ लॉट। कवि के अनुसार आपको थोड़ा रोना चाहिए या ज़्यादा। आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएट यू शुड क्राई अ लॉट। कवि के अनुसार आपको बहुत ज्यादा रोना चाहिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन टू, व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट। तुम बहुत ज्यादा रोने के बाद आप क्या कर सकते हो। आंसर, आफ्टर क्राइंग अ लॉट यू कैन लाफ हार्टली। आप बहुत ज्यादा रोने के बाद आप दिल से हंस सकते हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन थ्री, रीड द फर्स्ट टू लाइन ऑफ द पोयम इज द मूड हैप्पी सैड एंग्री ग्लेशियस अपसेट। इसका आंसर है, कविता की प्रथम दो पंक्तियां पढ़िए, इनकी मन स्थिति क्या है। खुश, उदास, गुस्सा, ईर्ष्याल्य, ईर्ष्याल्य, दुखी। आंसर, सैड। सेकंड है, इन द लास्ट फ्यू लाइंस द मूड ऑफ द पोएट हैज चेंज्ड, व्हाट इज इट नाउ। अतः अंत की कुछ पंक्तियों में कवि की मन स्थिति बदल गई है। अब यह क्या है, बहुत खुश, गुस्सा, खुश, उदास, ईर्ष्यालु। इसका आंसर है वेरी हैप्पी। अब हम पढ़ते क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन फोर, आर दिस सेंटेंसेस आर राइट और रॉन्ग। ये सेंटेंसेस सही या गलत। तो ये एक टाइप का ट्रू और फॉल्स लगा लो, हम इसको साथ साथ में करेंगे। फर्स्ट, द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। पोएट कह रही है कि आपको थोड़ा कम रोना चाहिए। ये ट्रू या फॉल्स। इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि पोएट कह रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा रोना चाहिए। द पोएट से सेकंड, द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सॉफ्ट। पोएट कह रहे हैं कि आपको इतना रोना चाहिए कि जब तक आपको पिलो गीला नहीं होना हो जाए। ये ट्रू या फिर फॉल्स, या ट्रू। थर्ड पे, द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो। सो लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी। आप रोने के बाद आप अपनी विंडो को खोलो और हंसो, और लोग आप पोएट कह रहे हैं कि आप रोने के बाद आप अपनी विंडो खोलो और हंसो कि आप लोगों को दिखा सको कि आप खुश हो। अब हम करते हैं फिफ्थ। और फोर्थ का है राइट, फिफ्थ ये, द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग। पोएट कह रहे हैं कि आप अपनी रोने के बाद अपनी विंडो खोलो और आप लोगों को दिखाओ कि आप रो रहे हो। इसका रॉन्ग आएगा, इसका गलत है। तो देखो ये रहे हैं इसके सारे आंसर्स, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम करते हैं लेट्स टॉक के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन वन, आंसर करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन वन, वेयर डू यू क्राई। आप कहाँ रोते हो। व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक्स यू क्राई। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको रोने पर मजबूर करती हैं। आप कहाँ रोते हो। आंसर, आई क्राई माई बिफोर माई मदर। मैं मेरी मम्मा के पीछे रोती हूँ। आई क्राई व्हेन माई सिस्टर डिस्टर्ब्स मी और व्हेन आई फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। मैं मेरी मम्मा के पीछे रोता हूँ, और मैं जब रोता हूँ कि जब मेरी बहन मुझको डिस्टर्ब करती है और मैं नीचे गिर जाता हूँ और मुझे दर्द होता है। क्वेश्चन टू, कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी। क्या आप खुश होने पर भी रोते हो। आंसर, नो, नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर थ्री, विच आर द थिंग्स
दैट मेक यू हैप्पी, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुश करती है। इफ वट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको खुश करती है, प्लस आप अपनी खुशी किस प्रकार जाहिर करते हो। आंसर, अटेंडिंग पार्टीज एंड परचेजिंग न्यू ड्रेस मेक मी हैप्पी। पार्टी में जाने से और मुझे नई ड्रेस मिलने से मैं बहुत खुश होता हूँ। आई शो माई हैप्पीनेस बाई लाफिंग, मैं मेरी खुशी को जोर जोर से हंस कर और अपने बेड पर जंप कर कर खुशी को हाजिर करता हूँ। थैंक्स, अब यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है, और आप है ना ये देखने के बाद अपने नोटबुक्स में लिखा करो और बुक्स में भी चैप्टर्स पढ़ा करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर भी और लाइक भी, क्योंकि आप करते नहीं हो। थैंक यू, अब हम मिलेंगे पार्ट 3 में।